Immunization is traditionally assumed to be a woman's concern. Yet, cultural and societal dynamics often make it difficult for women to take decisions regarding child health. Naturally, it was important to involve men in the polio vaccination initiative. Most of this program, actually what they do, they talk to their mothers, try to talk to the wives, not the husbands. In a patriarchal society, men actually make most of the decisions. Any successful program, if men involvement is one of the most challenging things, if we involve them, then probably we can accelerate the achievements. A simple yet innovative way to tap men was through the local barbers. Barbers are an integral part of every Indian community. The barber shop is an important meeting place where men can talk peer to peer. We roped in barbers and then we trained them. We told them what they should be telling to these visiting customers. Then we found that some of these men who were earlier very suspicious about the importance of immunization, then they got transformed. आपको टीके के बारे में पता है कुछ? टीके कहेंगे टीके। अजय सर जी बहुत कुछ होता है टीके ना लगवाने से। आपने अपने बच्चे के लिए खतरा मोल ले लिया सर जी। बहुत फायदे हैं टीके से। ये देखो जानकारी इसके लिए टीके से कितने लाभदायक। पोलियो भी हो सकता है आपके बच्चे को देखो। एक रुपये नहीं देना वहाँ से आपको बस। सारे टीके फ्री लग जाते हैं। We have community mobilization coordinators. They go and talk to the barbers and then we organize some training in which we tell how to pass on this particular message. एक मैडम आई थी उन्होंने हमें पोलियो के बारे में बताया उन्होंने बुकलेट दी जैसे कि हमें जानकारी के लिए और ये टीकाकरण के बारे में ये दिया स्टिकर और ये दिए हमने फिर सोचा यार ये तो समाज सेवा है समाज सेवा के लिए संस्था से जुड़ गए ये पोलियो टीकाकरण है पोलियो की दवाई पिलाई जाती है इससे तो बहुत फायदे हैं हम गाय से बोलते हैं बातें करते हैं पहले वो मना करता था परेशान करता था नहीं मानता था बात को आप समझने लगा है वो क्यों इसको पता चलने से लगा है टीकाकरण में क्या क्या फायदे मिलते हैं तो अपने परिवार से बात करता है फिर वो पड़ोसी से बात करने लगा पड़ोसी भी समझने लगा इस बात को शहजाद भाई नाई का काम करते हैं इन्होंने बताया आज जो है पल्स पोलियो के टीके लगवाए बच्चे को बहुत सुविधा हमें तो मालूम नहीं था हमने कभी लगवाए नहीं हमें तो ये डर था कि कभी इनमें पैसे लगते ये बता रहे कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में फ्री लगते हैं Whenever I came to field, I met, interacted with barbers. They are so enthusiastic in their approach. All of them are working free of cost. They are not charging any money. They are very happy to be part of this program. अचानक जब ये नाइक की दुकान पे से आए तो मेरे से पूछने लगे कि तूने टीके और पोलियो और समय पे दिला रही हो या नहीं तो मैंने कहा कि आज तक तो तुमने ऐसा पूछा नहीं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में तो आज क्यों उन्होंने कहा तो मुझे सोनू नाई ने बताया कि टीके और पोलियो की खुराक बहुत अच्छे होते हैं और फायदेमंद होते हैं हमें पहले पोलियो की खुराक और टीकों के बारे में जानकारी तो थी लेकिन मेरे पति इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे तो इस वजह से मैं भी बच्चों को पोलियो की खुराक नहीं पिला पाती थी टीकाकरण के बारे में तो मैंने पहले भी सुना था पर इतनी वो नहीं थी मुझे कि टीके लगवाने क्यों जरूरी हैं जैसे ही मैं एक दिन नाई की दुकान पर गया तो वहाँ पर टीकाकरण और पोलियो के बारे में चर्चा कर रहे थे मैंने उनसे पूछा नाई से हमका भैया किस तरह की चर्चा कर रहे हो आप तो उसने बताया कि भैया आप बच्चों को टीके लगवाते हो अपने पोलियो खुराक पिलाते हो या नहीं तो मैंने कहा भाई हम तो लगवाते नहीं ना पिलाते कोई हमें तो इसका कोई इतनी खास जानकारी है नहीं तो उसने नाई ने मुझे एक कार्ड दिखाया उस पर कई सारी बीमारियाँ दिखाई कि आप अगर बच्चों को ये टीके लगवाओगे तो आपका बच्चा इन 8 जानलेवा बीमारी से बच सकता है तब मेरी समझ में आया और मैंने फिर अपनी पत्नी को आकर के बताया तो कि भैया आप टीके लगवाने जरूरी हैं अब हम दोनों ही अपने बच्चों को पोलियो की खुराक और टीके समय से लगवा रहे हैं पहले जैसे माँ लेके आती थी अपने हाँ। बच्चों को अब जो है उनके पिता भी लेके आ रहे हैं और ये जो है सेशन के लिए बहुत अच्छा है बच्चों के लिए अच्छा है उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है This barber strategy is emerging as one of the main, strategies for reaching out to the men. Our calculation shows that around 20,000 men are reached out through this strategy in a small pilot like this, in which we are just operating in 5 blocks. This is one of the most successful strategies that we have adapted in this program. We can take it to a scale to all the 24 blocks. These guys are doing an amazing job. They are making a big difference in the community.